गोदान, लेखक मुंशी प्रेमचंद। अध्याय 15। मालती बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी। उसके जीवन में हंसी ही हंसी नहीं है, केवल गुड़ खाकर कौन जी सकता है, और जिए भी तो वो कोई सुखी जीवन ना होगा। वो हंसती है इसलिए कि उसे इसके भी दाम मिलते हैं। उसका चहकना और चमकना इसलिए नहीं है कि वो चहकने को ही जीवन समझती है, या उसने निजत्व को अपनी आंखों में इतना बढ़ा लिया है कि जो कुछ करे अपने लिए ही करे। नहीं, वो इसलिए चहकती है और विनोद करती है कि इससे उसके कर्तव्य का भार कुछ हल्का हो जाता है। उसके बाप उन विचित्र जीवों में थे जो केवल जबान की मदद से लाखों के वारे न्यारे करते थे। बड़े बड़े जमींदारों और रईसों की जायदादें बिकवाना, उन्हें कर्ज दिलाना या उनके मामलों को अफसरों से मिलकर तय करा देना, यही उनका व्यवसाय था। दूसरे शब्दों में, दलाल थे। इस वर्ग के लोग बड़े प्रतिभावान होते हैं। जिस काम से कुछ मिलने की आशा हो वो उठा लेंगे और किसी न किसी तरह उसे निभा भी देंगे। किसी राजा की शादी किसी राजकुमारी से ठीक करवा दी और 10-20 हजार उसी में मार लिए। यही दलाल जब छोटे छोटे सौदे करते हैं तो टाउट कहे जाते हैं और गवर्नरों की मेज पर चाय पीते हैं। मिस्टर कॉल उन्हीं भाग्यवानों में से एक थे। उनके 3 लड़कियां थी। उनका विचार था कि तीनों को इंग्लैंड भेजकर शिक्षा के शिखर पर पहुंचा दे। अन्य बहुत से बड़े आदमियों की तरह उनका भी ख्याल था कि इंग्लैंड में शिक्षा पाकर आदमी कुछ और हो जाता है, शायद वहां की जलवायु में बुद्धि को तेज कर देने की कोई शक्ति है। मगर उनकी ये कामना 1/3 से ज्यादा पूरी न हुई। मालती इंग्लैंड में ही थी कि उन पर फालिज गिरा और बेकाम कर गया। अब बड़ी मुश्किल से 2 आदमियों के सहारे उठते बैठते हैं। जबान तो बिल्कुल बंद ही हो गई, और जब जबान ही बंद हो गई तो आमदनी भी बंद हो गई। जो कुछ थी जबान ही की कमाई थी। कुछ बचा रखने की उनकी आदत न थी। अनियमित आय थी और अनियमित खर्च था, इसलिए इधर कई साल से बहुत तंग हाल हो रहे थे। सारा दायित्व मालती पर आ पड़ा। मालती के 400-500 रुपए में वो भोग विलास और ठाट बाट तो क्या निभता। हाँ, इतना था कि दोनों लड़कियों की शिक्षा हो जाती थी और भले मानसों की तरह जिंदगी बसर होती थी। मालती सुबह से पहर रात तक दौड़ती रहती थी। चाहती थी कि पिता सात्विकता के साथ रहें, लेकिन पिताजी को शराब कबाब का ऐसा चस्का पड़ा था कि किसी तरह गला न छोड़ता था। कहीं से कुछ न मिलता तो एक महाजन से अपने बंगले पर प्रोनोट लिखकर 1000-2000 ले लेते थे। महाजन उनका पुराना मित्र था, जिसने उनकी बदौलत लेन देन में लाखों कमाए थे और मुरव्वत के मारे कुछ बोलता ना था। उसके 25,000 चढ़ चुके थे और जब चाहता कुर्की करा सकता था, मगर मित्रता की लाज निभाता जाता था। आत्मसेवियों में जो निर्लज्जता आ जाती है वो कॉल में भी थी। तकाजे हुआ करें, उन्हें परवाह न थी। मालती उनके अपव्यय पर झुंझलाती रहती थी, लेकिन उसकी माता जो साक्षात देवी थी और इस युग में भी पति की सेवा को नारी जीवन का मुख्य हेतु समझती थी, उसे समझाती रहती थी, इसलिए गृह युद्ध न होने पाता था। संध्या हो गई थी। हवा में अभी तक गर्मी थी, आकाश में धुंध छाया हुआ था। मालती और उसकी दोनों बहनें बंगले के सामने घास पर बैठी हुई थी। पानी न पाने के कारण वहां की धूप जल गई थी और भीतर की मिट्टी निकल आई थी। मालती ने पूछा, माली क्या बिल्कुल पानी नहीं देता? मंझली बहन सरोज ने कहा, पड़ा पड़ा सोया करता है सुअर, जब कहो तो 20 बहाने निकालने लगता है। सरोज बीए में पढ़ती थी। दुबली सी, लंबी, पीली, रूखी, कटु। उसे किसी की कोई बात पसंद न आती थी, हमेशा ऐब निकालती रहती थी। डॉक्टरों की सलाह थी कि वो कोई परिश्रम न करे और पहाड़ पर रहे, लेकिन घर की स्थिति ऐसी न थी कि उसे पहाड़ पर भेजा जा सकता। सबसे छोटी वरदा को सरोज से इसलिए द्वेष था कि सारा घर सरोज को हाथों हाथ लिए रहता था। वो चाहती थी जिस बीमारी में इतना स्वाद है वो उसे ही क्यों नहीं हो जाती। गोरी सी, गर्वशील, स्वस्थ, चंचल आंखों वाली बालिका थी, जिसके मुख पर प्रतिभा की झलक थी। सरोज के सिवा उसे सारे संसार से सहानुभूति थी। सरोज के कथन का विरोध करना उसका स्वभाव था। वो बोली, दिन भर दादाजी बाजार भेजते रहते हैं, फुर्सत ही कहाँ पाता है, मरने की छुट्टी तो मिलती नहीं, पड़ा पड़ा सोएगा। सरोज ने डांटा, दादाजी उसे कब बाजार भेजते हैं री, झूठी कहीं की। रोज भेजते हैं रोज, अभी तो आज ही भेजा था, कहो तो बुलाकर पुछवा दूं। पुछवाएगी, बुलाऊं? मालती डरी, दोनों गुथ जाएंगी तो बैठना मुश्किल कर देंगी। बात बदल कर बोली, अच्छा खैर होगा, आज डॉक्टर मेहता का तुम्हारे यहाँ भाषण हुआ था ना सरोज? सरोज ने नाक सिकोड़ कर कहा, हाँ हुआ तो था, लेकिन किसी ने पसंद नहीं किया। आप फरमाने लगे, संसार में स्त्रियों का क्षेत्र पुरुषों से बिल्कुल अलग है, स्त्रियों का पुरुषों के क्षेत्र में आना इस युग का कलंक है। सब लड़कियों ने तालियां और सीटियां बजानी शुरू की। हम बेचारे लज्जित होकर बैठ गए। कुछ अजीब से आदमी मालूम होते हैं। आपने तो यहाँ तक कह डाला कि प्रेम केवल कवियों की कल्पना है,
वास्तविक जीवन में इसका कहीं निशान ही नहीं। लेडी हुक्कू ने उनका खूब मजाक उड़ाया। मालती ने कटाक्ष किया। लेडी हुक्कू ने इस विषय में वो भी कुछ बोलने का साहस रखती हैं। तुम्हें डॉक्टर साहब का भाषण आदि से अंत तक सुनना चाहिए था सरोज। उन्होंने दिल में लड़कियों को क्या समझा होगा? What? पूरा भाषण सुनने का सब्र कैसे था? वो तो जैसे घाव पर नमक छिड़कते थे। तो फिर उन्हें बुलाया ही क्यों? आखिर उन्हें औरतों से कोई बैर तो नहीं है? देखो, जिस बात को हम सत्य समझते हैं उसी का तो प्रचार करते हैं। औरतों को खुश करने के लिए वो उनकी सी कहने वालों में नहीं है। और फिर अभी ये कौन जानता है कि स्त्रियां जिस रास्ते पर चलना चाहती हैं वही सत्य है? बहुत संभव है कि आगे चलकर हमें अपनी धारणा बदलनी पड़े। उसने फ्रांस, जर्मनी और इटली की महिलाओं के जीवन के आदर्श बतलाए और कहा, शीघ्र ही विमेंस लीग की ओर से मेहता का भाषण होने वाला है। सरोज को कुतूहल हुआ, मगर आप भी तो कहती हैं कि स्त्रियों और पुरुषों के अधिकार समान होने चाहिए। अब भी कहती हूँ, लेकिन दूसरे पक्ष वाले क्या कहते हैं ये भी सुनना चाहिए। संभव है हम ही गलती पर हूँ। ये लीग इस नगर की नई संस्था है और मालती के उद्योग से खुली है। नगर की सभी शिक्षित महिलाएं उसमें शरीक हैं। मेहता के पहले भाषण ने महिलाओं में बड़ी हलचल मचा दी थी और लीग ने निश्चय किया था कि उनका खूब ददा शिकन जवाब दिया जाए। मालती ही पर यह भार डाला गया था। मालती कई दिन तक अपने पक्ष के समर्थन में युक्तियां और प्रमाण खोजती रही। और भी कई देवियां अपने भाषण लिख रही थी। उस दिन जब मेहता शाम को लीग के हॉल में पहुंचे तो जान पड़ता था हॉल फट जाएगा। उन्हें गर्व हुआ, उनका भाषण सुनने के लिए इतना उत्साह। और वो उत्साह केवल मुख पर और आंखों में न था। आज सभी देवियां सोने और रेशम से लदी हुई थी, मानो किसी बारात में आई हूँ। मेहता को परास्त करने के लिए पूरी शक्ति से काम लिया गया था। और ये कौन कह सकता है कि जगमगाहट शक्ति का अंग नहीं है। मालती ने तो आज के लिए नए फैशन की साड़ी निकाली थी, नए कोट के जम्पर बनवाए थे और रंग रोगन और फूलों से खूब सजी हुई थी, मानो उसका विवाह हो रहा हो। विमेंस लीग में इतना समारोह और कभी ना हुआ था। डॉक्टर मेहता अकेले थे, फिर भी देवियों के दिल कांप रहे थे। सत्य की एक चिंगारी असत्य के एक पहाड़ को भस्म कर सकती है। सबसे पीछे की सफ में मिर्जा और खन्ना और संपादक जी भी विराज रहे थे। राय साहब भाषण शुरू होने के बाद आए और पीछे खड़े हो गए। मिर्जा ने कहा, अरे जनाब आइए आइए, आप कब तक खड़े रहेंगे? राय साहब बोले, नहीं भाई, यहाँ मेरा दम घुटने लगेगा। अरे तो मैं खड़ा होता हूँ, आप बैठिए। राय साहब ने उनके कंधे दबाए। तकल्लुफ नहीं, बैठे रहिए, मैं थक जाऊंगा तो आपको उठा दूंगा और बैठ जाऊंगा। अच्छा, मिस मालती सभा नेत्री हुई। खन्ना साहब कुछ इनाम दिलवाइए। खन्ना ने रोनी सूरत बनाकर कहा, अब तो मिस्टर मेहता पे निगाह है, मैं तो गिर गया। मिस्टर मेहता का भाषण शुरू हुआ। देवियों, जब मैं आपको इस तरह संबोधित करता हूँ तो आपको कोई बात नहीं खटकती। आप इस सम्मान को अपना अधिकार समझती हैं। लेकिन आपने किसी महिला को पुरुषों के प्रति देवता का व्यवहार करते सुना है? उसे आप देवता कहें तो वो समझेगा कि आप उसे बना रही हैं। आपके पास दान देने के लिए दया है, त्याग है। पुरुष के पास दान के लिए क्या है? वो देवता नहीं है, वो लेवता है। वो अधिकार के लिए हिंसा करता है, संग्राम करता है, कलह करता है। तालियां बजी। राय साहब ने कहा, औरतों को खुश करने का इसने कितना अच्छा ढंग निकाला है। बिजली संपादक को बुरा लगा। कोई नई बात नहीं है, मैं तो कितनी बार ये भाव व्यक्त कर चुका हूँ। मेहता आगे बढ़े, इसलिए जब मैं देखता हूँ हमारी उन उन्नत विचारों वाली देवियां उस दया और श्रद्धा और त्याग के जीवन से असंतुष्ट होकर संग्राम और कलह और हिंसा के जीवन की ओर दौड़ रही हैं और समझ रही हैं कि यही सुख का स्वर्ग है, तो मैं उन्हें बधाई नहीं दे सकता। मिसेस खन्ना ने मालती की ओर सगर्व नेत्रों से देखा। मालती ने गर्दन झुका ली। खुर्शेद बोले, मियां आप कहिए, मेहता दिलेर आदमी है, सच्ची बात कहता है और मुंह पर। बिजली संपादक ने नाक सिकोड़ी। अब वो दिन लद गए जब देवियां इन चकमों में आ जाती थी। उनके अधिकार हड़पते जाओ और कहते जाओ आप तो देवी हैं, लक्ष्मी हैं, माता हैं। ये कहां की बात हुई? मेहता आगे बढ़े, स्त्री को पुरुष के रूप में पुरुष के कर्म में रत देखकर मुझे उसी तरह वेदना होती है जैसे पुरुष को स्त्री के रूप में स्त्री के कर्म करते देखकर। मुझे विश्वास है ऐसे पुरुषों को आप अपने विश्वास और प्रेम का पात्र भी नहीं समझती। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ऐसी स्त्री भी पुरुष के प्रेम और श्रद्धा का पात्र नहीं बन सकती। खन्ना के चेहरे पर दिल की खुशी चमक उठी। राय साहब ने चुटकी ली। खन्ना जी, आप तो बहुत खुश हैं। खन्ना बोले, ये मालती मिले तो पूछूं, आप कहिए।
मेहता आगे बढ़े। मैं प्राणियों के विकास में स्त्री के पद को पुरुषों के पद से श्रेष्ठ समझता हूँ, उसी तरह जैसे प्रेम और त्याग और श्रद्धा को हिंसा और संग्राम और कलह से श्रेष्ठ समझता हूँ। अगर हमारी देवियां सृष्टि और पालन के देव मंदिर से हिंसा और कलह के दानव क्षेत्र में आना चाहती हैं, तो उससे समाज का कल्याण न होगा। मैं इस विषय में दृढ़ हूँ। पुरुष ने अपने अभिमान में अपनी दानवी कीर्ति को अधिक महत्व दिया है हमेशा। वो अपने भाई का स्वत्व छीनकर और उसका रक्त बहाकर समझने लगा उसने बहुत बड़ी विजय पाई। जिन शिशुओं को देवियों ने अपने रक्त से सिरजा और पाला, उन्हें बम और मशीन गन और सहस्त्रों टैंकों का शिकार बनाकर वो अपने को विजेता समझता है। और जब हमारी ही माताएं उसके माथे पर केसर का तिलक लगाकर और उसे अपने असीसों का कवच पहनाकर हिंसा क्षेत्र में भेजती हैं, तो क्या आश्चर्य है कि पुरुष ने विनाश को ही संसार के कल्याण की वस्तु समझा और उसकी हिंसा प्रवृत्ति दिन दिन बढ़ती गई। और आज हम देख रहे हैं कि ये दानवता प्रचंड होकर समस्त संसार को रौंदती, प्राणियों को कुचलती, हरी भरी खेतियों को जलाती और गुलजार बस्तियों को वीरान करती चली जाती है। देवियों, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप इस दानव लीला में सहयोग देकर इस संग्राम क्षेत्र में उतरकर संसार का कल्याण करेंगी? मैं आपसे विनती करता हूँ, नाश करने वालों को अपना काम करने दीजिए और आप अपने धर्म का पालन किए जाइए। खन्ना बोले, मालती की तो गर्दन ही नहीं उठती। राय साहब ने इन विचारों का समर्थन किया। मेहता कहते तो यथार्थ ही हैं। बिजली संपादक बिगड़े, मगर कोई नई बात नहीं कही। नारी आंदोलन के विरोधी इन्हीं ऊटपटांग बातों की शरण लिया करते हैं। मैं इसे मानता ही नहीं कि त्याग और प्रेम से संसार ने उन्नति की है। संसार ने उन्नति की है पौरुष से, पराक्रम से, बुद्धि बल से, तेज से। खुर्शेद ने कहा, अमा मियां सुनने दीजिएगा या अपनी ही गाए जाइएगा। मेहता का भाषण जारी था। देवियों, मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो कहते हैं स्त्री और पुरुष में समान शक्तियां हैं, समान प्रवृत्तियां हैं और उनमें कोई विभिन्नता नहीं है। इससे भयंकर असत्य की मैं कल्पना नहीं कर सकता। ये वो असत्य है जो युग युगांतरों से संचित अनुभव को उसी तरह ढक लेना चाहता है जैसे बादल का एक टुकड़ा सूर्य को ढक लेता है। मैं आपको सचेत किए देता हूँ कि आप इस जाल में ना फंसे। स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से। मनुष्य के लिए क्षमा और दया और त्याग और अहिंसा जीवन के उच्चतम आदर्श हैं। नारी इस आदर्श को प्राप्त कर चुकी है। पुरुष धर्म और आध्यात्म और ऋषियों का आश्रय लेकर उस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए सदियों से जोर मार रहा है पर सफल नहीं हो सका। मैं कहता हूं उसका सारा आध्यात्म और योग एक तरफ और नारियों का त्याग एक तरफ। तालियां बजी, हॉल हिल उठा। राय साहब ने गदगद होकर कहा, मेहता वही कहते हैं जो इनके दिल में है। ओमकार नाथ ने टीका की, लेकिन सभी बातें पुरानी हैं, सड़ी हुई। पुरानी बात भी आत्मबल के साथ कही जाती है तो नई हो जाती है। राय साहब, जो 1,000 रुपए हर महीने फटकार कर विलास में उड़ाता हो, उसमें आत्मबल जैसी कोई वस्तु रही नहीं जाती। ये केवल पुराने विचार की नारियों और पुरुषों को प्रसन्न करने के ढंग हैं। खन्ना ने मालती की ओर देखा, ओ ये क्यों फूली जा रही है, इसने तो शर्माना चाहिए। खुर्शीद ने खन्ना को उकसाया, मियां अब तुम भी एक तकरीर कर डालो, नहीं मेहता तुम्हें उखाड़ फेंकेंगे। आधा मैदान तो उसने अभी मार लिया है। खन्ना खिसियाकर बोले, मेरी ना कहिए, मैंने ऐसी कितनी चिड़ियां फंसाकर छोड़ दी हैं। राय साहब ने खुर्शीद की तरफ आंख मार कर कहा, आजकल आप महिला समाज की तरफ बहुत आते जाते हैं, सच कहना कितना चंदा दिया। खन्ना पर झेप छा गई, मुझे मैं ऐसे समाजों को चंदे नहीं दिया करता जो कला का ढोंग रचकर दुराचार फैलाते हैं। मेहता का भाषण जारी था। पुरुष कहता है जितने दार्शनिक और वैज्ञानिक आविष्कारक हुए हैं वो सब पुरुष थे, जितने बड़े बड़े महात्मा हुए हैं वो सब पुरुष थे, सभी योद्धा, सभी राजनीति के आचार्य, बड़े बड़े नाविक, बड़े बड़े सब कुछ पुरुष थे, लेकिन इन बड़े बड़ों के समूह ने मिलकर किया क्या? महात्माओं और धर्म प्रवर्तकों ने संसार में रक्त की नदियां बहाने और वैमनस्य की आग भड़काने के सिवा और क्या किया? योद्धाओं ने भाइयों की गर्दनें काटने के सिवा और क्या यादगार छोड़ी? राजनीतिज्ञों की निशानी अब केवल लुप्त साम्राज्यों के खंडहर रह गए हैं। और आविष्कारकों ने मनुष्य को मशीन का गुलाम बना देने के सिवा और क्या समस्या हल कर दी? पुरुषों की रची हुई संस्कृति में शांति कहाँ है, सहयोग कहाँ है, बताइए। ओमकार नाथ उठकर जाने को हुए।
अब विलासियों के मुंह से बड़ी बड़ी बातें सुनकर मेरी देह भस्म हो जाती है। खुर्शेद ने उनका हाथ पकड़कर बैठाया। मामा मियां, आप भी संपादक जी निरे चोंगा ही रहे। अजी ये दुनिया है, जिसके जी में जो आता है बकता है। कुछ लोग सुनते हैं और तालियां बजाते हैं। चलिए किस्सा खत्म। ऐसे ऐसे बेशुमार महते आएंगे और चले जाएंगे और दुनिया अपनी रफ्तार से चलती रहेगी। यहाँ बिगड़ने की कौन बात है? और ये असत्य सुनकर मुझसे रहा नहीं जाता। राय साहब ने इन्हें और चढ़ाया। कुल्टा के मुंह से सतियों की सी बात सुनकर किसका जीना जलेगा। ओमकारनाथ फिर बैठ गए। मेहता का भाषण जारी था। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या बाज को चिड़ियों का शिकार करते देखकर हंस को ये शोभा देगा कि वो मानसरोवर की आनंदमयी शांति को छोड़कर चिड़ियों का शिकार करने लगे? और अगर वो शिकारी बन जाए तो क्या आप उसे बधाई देंगी? हंस के पास उतनी तेज चोंच नहीं है, उतने तेज चंगुल नहीं है, उतनी तेज आंखें नहीं है, उतने तेज पंख नहीं है और उतनी तेज रक्त की प्यास नहीं है। उन अस्त्रों का संचय करने में उसे सदियां लग जाएंगी। फिर भी वो बाज बन सकेगा या नहीं, इसमें संदेह है। मगर साहब, वो बाज बने या ना बने, वो हंस न रहेगा, वो हंस जो मोती चुगता है। खुर्शेद ने टीका की। हुजूर, ये तो शायरों की सी दलीलें हैं। मादा बाज भी उसी तरह शिकार करती है जैसे कि नर बाज। ओमकारनाथ प्रसन्न हो गए। उस पर आप फिलोसोफर बनते हैं इसी तर्क के बल पे। खन्ना ने दिल का गुबार निकाला। जी फिलोसोफर नहीं है, फिलोसोफर की दुम है। फिलोसोफर वो है जो, ओमकारनाथ ने बात पूरी की, जो सत्य से जौ भर भी ना टले। खन्ना को ये समस्या पूर्ति नहीं रुची। मैं सत्यवत्य को नहीं जानता, मैं तो फिलोसोफर उसे कहता हूँ जो फिलोसोफर हो सच्चा। खुर्शेद ने दाद दी। वाह मियां, फिलोसोफर की आपने कितनी सच्ची तारीफ की है। वाह सुभान अल्लाह, फिलोसोफर वो है जो फिलोसोफर हो। वाह क्यों ना हो। मेहता आगे चले। मैं नहीं कहता देवियों को विद्या की जरूरत नहीं है, है और पुरुषों से अधिक। मैं नहीं कहता कि देवियों को शक्ति की जरूरत नहीं है, है और पुरुषों से अधिक। लेकिन वो विद्या और वो शक्ति नहीं जिससे पुरुष ने संसार को हिंसा का क्षेत्र बना डाला है। अगर वही विद्या और वही शक्ति आप भी ले लेंगी तो संसार मरुस्थल हो जाएगा। आपकी विद्या और आपका अधिकार हिंसा और विध्वंस में नहीं, सृष्टि और पालन में है। क्या आप समझती हैं वोटों से मानव जाति का उद्धार होगा, या दफ्तरों में और अदालतों में जबान और कलम चलाने से? इन नकली अप्राकृतिक विनाशकारी अधिकारों के लिए आप वो अधिकार छोड़ देना चाहती हैं जो आपको प्रकृति ने दिए हैं। सरोज अब तक बड़ी बहन के अदब से जब्त किए बैठी थी, अब न रहा गया। फुफकार उठी। हमें वोट चाहिए पुरुषों के बराबर। और कई युवतियों ने हाँक लगाई। वोट 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 वोट। ओमकारनाथ ने खड़े होकर ऊंचे स्वर में कहा, नारी जाति के विरोधियों की पगड़ी नीची हो। मालती ने मेज पर हाथ पटक कर कहा, शांत रहो शांत रहो। जो लोग पक्ष या विपक्ष में कुछ कहना चाहेंगे उन्हें पूरा अवसर दिया जाएगा। कृपया बैठ जाइए, शांत रहिए। मेहता बोले, वोट नए युग का मायाजाल है, मरीचिका है, कलंक है, धोखा है। उसके चक्कर में पड़कर आप ना इधर की होंगी ना उधर की। कौन कहता है कि आपका क्षेत्र संकुचित है और उसमें आपको अभिव्यक्ति करने का अवकाश नहीं मिलता? हम सभी पहले मनुष्य हैं, पीछे कुछ और। हमारा जीवन हमारा घर है, वहीं हमारी सृष्टि होती है, वहीं हमारा पालन होता है, वहीं जीवन के सारे व्यापार होते हैं। अगर वो क्षेत्र परिमित है तो अपरिमित कौन सा क्षेत्र है? क्या वो संघर्ष जहां संगठित अपहरण है? जिस कारखाने में मनुष्य और उसका भाग्य बनता है उसे छोड़कर आप उन कारखानों में जाना चाहती है जहां मनुष्य पीसा जाता है, जहां उसका रक्त निकाला जाता है। मिर्जा ने टोका, पर जनाब पुरुषों के जुल्म ने ही तो उनमें बगावत की ये स्पिरिट पैदा की है। मेहता बोले, बेशक पुरुषों ने अन्याय किया है लेकिन उसका ये जवाब नहीं है। अन्याय को मिटाइए लेकिन अपने को मिटाकर नहीं। मालती बोली, नारियां इसलिए अधिकार चाहती हैं कि उनका सदुपयोग करें और पुरुषों को उनका दुरुपयोग करने से रोकें। मेहता ने उत्तर दिया, संसार में सबसे बड़े अधिकार सेवा और त्याग से मिलते हैं और वो आपको मिले हुए हैं। उन अधिकारों के सामने वोट कोई चीज नहीं है। मुझे खेद है हमारी बहनें पश्चिम का आदर्श ले रही हैं, जहां नारी ने अपना पद खो दिया है और स्वामिनी से गिरकर विलास की वस्तु बन गई है। पश्चिम की स्त्री स्वच्छंद होना चाहती है इसलिए कि वो अधिक से अधिक विलास कर सके।
हमारी माताओं का आदर्श कभी विलास नहीं रहा। उन्होंने केवल सेवा के अधिकार से सदैव गृहस्थी का संचालन किया है। पश्चिम में जो चीजें अच्छी हैं वो उनसे लीजिए। संस्कृति में सदैव आदान प्रदान होता आया है, लेकिन अंधी नकल तो मानसिक दुर्बलता का ही लक्षण है। पश्चिम की स्त्री आज गृहस्वामिनी नहीं रहना चाहती। भोग की विदग्ध लालसा ने उसे उच्छृंखल बना दिया है। वो अपनी लज्जा और गरिमा को, जो उसकी सबसे बड़ी विभूति थी, चंचलता और आमोद प्रमोद पर होम कर रही है। जब मैं वहां की शिक्षित बालिकाओं को अपने रूप का या भरी हुई गोल बाहों या अपनी नग्नता का प्रदर्शन करते हुए देखता हूँ तो मुझे उन पर दया आती है। उनकी लालसाओं ने उन्हें इतना पराभूत कर दिया है कि वो अपनी लज्जा की भी रक्षा नहीं कर सकती। नारी के इससे अधिक और क्या अधोगति हो सकती है? राय साहब ने तालियां बजाई। हॉल तालियों से गूंज उठा जैसे पटाखों की लड़ियां छूट रही हों। मिर्जा साहब ने संपादक जी से कहा, मियां इसका जवाब तो आपके पास भी ना होगा। संपादक जी ने विरक्त मन से कहा, सारे व्याख्यान में इन्होंने यही बात सत्य कही है। तब तो आप भी मेहता के मुरीद हुए। जी नहीं, अपने लोग किसी के मुरीद नहीं होते। मैं इसका जवाब ढूंढ निकालूंगा, बिजली में देखिएगा। इसके माने ये हैं कि आप हक की तलाश नहीं करते, सिर्फ अपने पक्ष के लिए लड़ना चाहते हैं। राय साहब ने आड़े हाथों लिया। इसी पर आपको अपने सत्य प्रेम का अभिमान है? संपादक जी अविचल रहे। वकील का काम अपने मुवक्किल का हित देखना है, सत्य या असत्य का निराकरण नहीं। तो यूं कहिए कि आप औरतों के वकील हैं। मैं उन सभी लोगों का वकील हूँ जो निर्बल हैं, निस्सहाय हैं, पीड़ित हैं। बड़े बेहया हो यार, मेहता जी कह रहे थे, ये बात मैं आपको बता दूं, ये पुरुषों का षड्यंत्र है, देवियों को ऊंचे शिखर से खींचकर अपने बराबर बनाने के लिए। उन पुरुषों का जो कायर हैं, जिनमें वैवाहिक जीवन का दायित्व संभालने की क्षमता नहीं है, जो स्वच्छंद काम क्रीड़ा की तरंगों में साणों की भांति दूसरों की हरी भरी खेती में मुंह डालकर अपनी कुत्सित लालसाओं को तृप्त करना चाहते हैं। पश्चिम में इनका षड्यंत्र सफल हो गया और देवियां तितलियां बन गई। मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि इस त्याग और तपस्या की भूमि भारत में भी कुछ वही हवा चलने लगी है। विशेषकर हमारी शिक्षित बहनों पर वो जादू बड़ी तेजी से चढ़ रहा है। वो गृहिणी का आदर्श त्याग कर तितलियों का रंग पकड़ रही है। सरोज उत्तेजित होकर बोली, हम पुरुषों से सलाह नहीं मांगती। अगर वो अपने बारे में स्वतंत्र है तो स्त्रियां भी अपने विषय में स्वतंत्र है। युवतियां अब विवाह को पेशा नहीं बनाना चाहती, वो केवल प्रेम के आधार पर विवाह करेंगी। जोर से तालियां बजी, विशेषकर अगली पंक्तियों में जहां महिलाएं थीं। मेहता ने जवाब दिया, जिसे तुम प्रेम कहती हो वो धोखा है, उद्दीप्त लालसा का विकृत रूप, ठीक उसी तरह जैसे संन्यास केवल भीख मांगने का संस्कृत रूप है। वो प्रेम अगर वैवाहिक जीवन में कम है तो मुक्त विलास में बिल्कुल नहीं है। सच्चा आनंद, सच्ची शांति केवल सेवा व्रत में है। वही अधिकार का स्रोत है, वही शक्ति का उद्गम है। सेवा ही वो सीमेंट है जो दंपति को जीवन पर्यंत स्नेह और साहचर्य में जोड़े रख सकता है, जिस पर बड़े बड़े आघातों का भी कोई असर नहीं होता। जहां सेवा का भाव है वहीं विवाह विच्छेद है, परित्याग है, अविश्वास है। और आपके ऊपर पुरुष जीवन की नौका का कर्णधार होने के कारण जिम्मेदारी ज्यादा है। आप चाहे नौका को आंधी और तूफान में भी पार लगा सकती हैं, और आपने असावधानी की तो नौका डूब जाएगी और उसके साथ साथ आप भी डूब जाएंगी। भाषण समाप्त हो गया। विषय विवादग्रस्त था और कई महिलाओं ने जवाब देने की अनुमति मांगी, मगर बहुत देर हो गई थी, इसलिए मालती ने मेहता को धन्यवाद देकर सभा भंग कर दी। हाँ, ये सूचना दे दी गई कि अगले रविवार को इसी विषय पर कई देवियां अपने विचार प्रकट करेंगी। राय साहब ने मेहता को बधाई दी। आपने मेरे मन की बातें कही मिस्टर मेहता, मैं आपके एक एक शब्द से सहमत हूँ। मालती हंसी, आप क्यों ना बधाई देंगे, चोर चोर मौसेरे भाई जो होते हैं। मगर ये सारा उपदेश गरीब नारियों के सिर ही क्यों थोपा जाता है? उन्हीं के सिर क्यों आदर्श और मर्यादा और त्याग सब कुछ पालन करने का भार पटका जाता है? मेहता बोले, इसलिए कि वो बात समझती हैं। खन्ना ने मालती की ओर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखकर मानो उसके मन की बात समझने की चेष्टा करते हुए कहा, डॉक्टर साहब के ये विचार तो मुझे कोई 100 साल पिछड़े हुए मालूम होते हैं। मालती ने कटु होकर पूछा, कौन से विचार? यही सेवा और कर्तव्य आदि। ओ, तो आपको ये विचार 100 साल पिछड़े हुए मालूम होते हैं। तो कृपा करके अपने ताजे विचार बतलाइए। दंपति कैसे सुखी रह सकते हैं, इसका कोई ताजा नुस्खा है आपके पास?
खन्ना खिसिया गए। बात कही मालती को खुश करने के लिए और वो तिनक उठी। बोले, ये नुस्खा तो मेहता साहब को मालूम होगा। डॉक्टर साहब ने तो बतला दिया, और आपके ख्याल में वो 100 साल पुराना है, तो नया नुस्खा तो आपको बतलाना चाहिए ना। आपको ज्ञात नहीं कि दुनिया में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कभी पुरानी नहीं हो सकती। समाज में इस तरह की समस्याएं हमेशा उठती रही हैं और हमेशा उठती रहेंगी। मिसेस खन्ना बरामदे में चली गई थी। मेहता ने उनके पास जाकर प्रणाम करते हुए पूछा, मेरे भाषण के विषय में आपकी क्या राय है? मिसेस खन्ना ने आंखें झुकाकर कहा, अच्छा था, बहुत अच्छा। मगर अभी आप अविवाहित हैं, तभी नारियां देवियां हैं, श्रेष्ठ हैं, कर्णधार हैं। विवाह कर लीजिए तो पूछूंगी अब नारियां क्या हैं। और विवाह आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप विवाह से मुंह चुराने वाले मर्दों को कायर कह चुके हैं। उसी के लिए तो जमीन तैयार कर रहा हूँ। मिस मालती से जोड़ा भी अच्छा है, शर्त यही है कि वो कुछ दिन आपके चरणों में बैठकर आपसे नारी धर्म सीखें। वही स्वार्थी पुरुषों की बात। आपने पुरुष कर्तव्य सीख लिया? यही सोच रहा हूँ कि किससे सीखूं। मिस्टर खन्ना आपको बहुत अच्छी तरह सिखा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं पुरुष कर्तव्य भी आप ही से सीखूंगा। अच्छी बात है, मुझे से सीखिए। पहली बात यही है कि भूल जाइए कि नारी श्रेष्ठ है और सारी जिम्मेदारी उसी पर है। श्रेष्ठ पुरुष है और उसी पर गृहस्थी का सारा भार है। नारी में सेवा और संयम और कर्तव्य सब कुछ वही पैदा कर सकता है। अगर उसमें इन बातों का अभाव है तो नारी में भी अभाव रहेगा। नारियों में आज जो ये विद्रोह है, इसका कारण पुरुष का इन गुणों से शून्य हो जाना है। मिर्जा साहब ने आकर मेहता को गोद में उठा लिया और बोले, यार मुबारक मुबारक। अरे क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? आपको मेरी तकरीर पसंद आई? अमा मियां यार, तकरीर तो खैर जैसी थी वैसी थी, मगर कामयाब खूब रही। आपने परी को शीशे में उतार लिया। अपनी तकदीर सराहिए कि जिसने आज तक किसी को मुंह नहीं लगाया वो आपका कलमा पढ़ रही है। मिसेस खन्ना दबी जबान से बोली, जब नशा ठहर जाएगा तो कहिएगा। मेहता ने विरक्त भाव से कहा, अरे नहीं देवी जी, मेरे जैसे किताब के कीड़ों को कौन पसंद करेगी, मैं तो पक्का आदर्शवादी हूँ। मिसेस खन्ना ने अपने पति को कार की तरफ जाते देखा तो उधर चली गई। मिर्जा भी बाहर निकल गए। मेहता ने मंच पर से अपनी छड़ी उठाई और बाहर जाना चाहते थे कि मालती ने आकर उनका हाथ पकड़ लिया और आग्रह भरी आंखों से बोली, आप अभी नहीं जा सकते, चलिए पापा से आपकी मुलाकात कराऊं, आज वहीं खाना खाइएगा। मेहता ने कान पर हाथ रखकर कहा, नहीं नहीं, मुझे क्षमा कीजिए, वहां सरोज मेरी जान खा जाएगी, मैं इन लड़कियों से बहुत घबराता हूँ भाई। नहीं नहीं, मैं जिम्मा लेती हूँ जो वो मुंह भी खोले। अच्छा ठीक है, आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। जी नहीं, ये तो ना होगा, मेरी कार सरोज लेकर चल दी है, आप मुझे पहुंचाने तो चलेंगे ही। दोनों मेहता की कार में बैठे और कार चली। एक क्षण बाद मेहता ने पूछा, मैंने सुना है खन्ना साहब अपनी बीवी को मारा करते हैं। तब से मुझे उनकी सूरत से नफरत हो गई। जो आदमी इतना निर्दयी हो उसे मैं आदमी नहीं समझता। उस पर आप नारी जाति के बड़े हितैषी बनते हैं, तुमने उन्हें कभी समझाया नहीं? मालती उद्विग्न होकर बोली, ताली हमेशा दो हथेलियों से बजती है, ये आप भूले जाते हैं। मैं तो ऐसे किसी कारण की कल्पना नहीं कर सकता कि कोई पुरुष अपनी स्त्री को मारे। अच्छा, चाहे स्त्री कितनी ही बदजबान हो। हाँ कितनी ही, तो आप एक नए किस्म के आदमी हैं। अगर मर्द बदमिजाज है तो तुम्हारी राय में उस मर्द पर हंटरों की बौछार करनी चाहिए, क्यों? स्त्री जितनी क्षमाशील हो सकती है पुरुष नहीं हो सकता, आपने खुद आज ये बात स्वीकार की है। तो औरत की क्षमाशीलता का यही पुरस्कार है? मैं समझता हूँ तुम खन्ना को मुंह लगाकर उसे और भी शह देती हो। तुम्हारा वो जितना आदर करता है तुमसे, उसे जितनी भक्ति है, उसके बल पर तुम उसे बड़ी आसानी से सीधा कर सकती हो, मगर तुम उसकी सफाई देकर स्वयं उस अपराध में शरीक हो जाती हो। मालती उत्तेजित होकर बोली, तुमने इस समय ये प्रसंग व्यर्थ ही छेड़ दिया, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती, मगर अभी आपने कामिनी देवी को पहचाना नहीं है। आपने उनकी भोली भाली शांत मुद्रा देखकर समझ लिया कि वो देवी हैं। मैं उन्हें इतना ऊंचा स्थान नहीं देना चाहती। उन्होंने मुझे बदनाम करने का जितना प्रयत्न किया है, मुझ पर जैसे जैसे आघात किए हैं, अगर मैं वो बयान करूं तो आप दंग रह जाएंगे, और तब आपको मानना पड़ेगा कि ऐसी औरत के साथ यही व्यवहार होना चाहिए। आखिर उन्हें आपसे जो इतना द्वेष है, इसका कोई तो कारण होगा। कारण उनसे पूछिए, मुझे किसी के दिल का हाल क्या मालूम। उनसे बिना पूछे भी अनुमान किया जा सकता है, और वो ये है,
अगर कोई पुरुष मेरे और मेरी स्त्री के बीच में आने का साहस करे तो मैं उसे गोली मार दूंगा, और उसे ना मार सकूंगा तो अपनी छाती में मार लूंगा। इसी तरह अगर मैं किसी स्त्री को अपने और अपनी स्त्री के बीच में लाना चाहूं तो मेरी पत्नी को भी अधिकार है कि वो जो चाहे करे। इस विषय में मैं कोई समझौता नहीं कर सकता। ये अवैज्ञानिक मनोवृत्ति है जो हमने अपने बनैले पूर्वजों से पाई है, और आजकल कुछ लोग इसे असभ्य और असामाजिक व्यवहार कहेंगे, लेकिन मैं अभी तक उस मनोवृत्ति पर विजय नहीं पा सका और न पाना चाहता हूँ। इस विषय में मैं कानून की परवाह नहीं करता। मेरे घर में मेरा कानून है, मालती ने तीव्र स्वर में पूछा। लेकिन आपने ये अनुमान कैसे कर लिया कि मैं आपके शब्दों में खन्ना और कामिनी के बीच में आना चाहती हूँ? आप ऐसा अनुमान करके मेरा अपमान कर रहे हैं। मैं खन्ना को अपनी जूतियों की नोक के बराबर भी नहीं समझती, मेहता ने अविश्वास भरे स्वर में कहा। यह आप दिल से नहीं कह रही हैं मिस मालती। क्या आप सारी दुनिया को बेवकूफ समझती हैं? जो बात सभी समझ रहे हैं, अगर वही बात मिसेस खन्ना भी समझे तो मैं उन्हें दोष नहीं दे सकता, मालती ने तिनक कर कहा। दुनिया को तो दूसरों को बदनाम करने में मजा आता है, ये उसका स्वभाव है। मैं उसका स्वभाव कैसे बदल दूं? लेकिन यह व्यर्थ का कलंक है। हाँ, मैं इतनी बेमुरव्वत नहीं हूं कि खन्ना को अपने पास आते देखकर दुत्कार देती। मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे सभी का स्वागत और सत्कार करना पड़ता है। अगर कोई इसका कुछ और अर्थ निकालता है तो वो। मालती का गला भर्रा गया और उसने मुंह फेर कर रुमाल से आंसू पोंछे। फिर एक मिनट बाद बोली, औरों के साथ तुम भी मुझे इसका दुख है। मुझे तुमसे ये आशा न थी। फिर कदाचित उसे अपनी दुर्बलता पर खेद हुआ। वो प्रचंड होकर बोली, आपको मुझ पर आक्षेप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप भी उन्हीं मर्दों में हैं जो किसी स्त्री पुरुष को साथ देखकर उंगली उठाए बिना नहीं रह सकते, तो शौक से उठाइए, मुझे रत्ती भर परवाह नहीं है। अगर कोई स्त्री बार बार आपके पास बहाने से आए, आपको अपना देवता समझे, हर एक बात में आपसे सलाह ले, आपके चरणों के नीचे आंखें बिछाए, आपका इशारा पाते ही आग में कूदने को तैयार हो जाए, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप उसकी उपेक्षा न करेंगे। अगर आप उसे ठुकरा सकते हैं तो आप मनुष्य नहीं हैं। उसके विरुद्ध आप कितने ही तर्क और प्रमाण लाकर रख दे, लेकिन मैं मानूंगी नहीं। मैं तो कहती हूँ, उपेक्षा तो दूर रही, ठुकराने की बात ही क्या। आप उस नारी के चरण धो धो कर पियेंगे और बहुत दिन गुजरने के पहले वो आपकी हृदयेश्वरी होगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, मेरे सामने खन्ना का नाम कभी मत लीजिएगा प्लीज। मेहता ने इस ज्वाला में मानो हाथ सेकते हुए कहा, शर्त यही है कि मैं खन्ना को आपके साथ न देखूं। मैं मानवता की हत्या नहीं कर सकती। वो आएंगे तो मैं उन्हें दुर्दुराऊंगी नहीं। तो उनसे कहिए अपनी स्त्री के साथ सज्जनता से पेश आए। मैं किसी के निजी मामले में दखल देना उचित नहीं समझती, और ना मुझे इसका अधिकार है। तो आप किसी की जबान नहीं बंद कर सकती। मालती का बंगला आ गया। कार रुक गई। मालती उतर पड़ी और बिना हाथ मिलाए ही चली गई। वो ये भी भूल गई कि उसने मेहता को भोजन की दावत दी है। वो एकांत में जाकर खूब रोना चाहती है। कामिनी ने पहले भी आघात किए हैं, पर आज उसने जो आघात किया है वो बहुत गहरा, बड़ा चौड़ा और बड़ा मर्म भेदी है।